दोस्तों राम राम, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों आज मैं बाबा जी की एक और लीला का वर्णन करूँगा और उसमें बाबा जी एक और व्यक्ति की जान बचाते हैं, उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल देते हैं। तो और दोस्तों आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको बाबा जी की कृपा मिलती रहे, उनकी भक्ति का दान मिले। और आपको मैं इसमें श्रीमद् भागवत गीता के पाठ भी सुना रहा हूँ, जिसका आज मैं 5वां अध्याय करूँगा। 4 अध्याय मेरे चैनल पर हैं, अगर आपको सुनने हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब करें और धर्म लाभ उठाएं, गीता का ज्ञान सुने। तो शुरू करता हूँ दोस्तों, आज पढ़कर ही आपको अच्छे तरीके से बाबा जी की महिमा का वर्णन करूँगा। दोस्तों एक बार देवी आयल मिल्स हल्द्वानी में भक्तों से घिरे महाराज जी बैठे थे। इतने में पैंट कमीज घड़ी पहने 30-35 वर्ष का एक युवक दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बाबा जी ने उससे पूछा, क्या है? उसने कहा, महाराज जी मेरा भाई बहुत बीमार है, मरने को है, वह आपके दर्शन करना चाहता है मरने से पहले। उस भाई का अथवा इस युवक का बाबा जी के साथ कभी पहले कोई संपर्क नहीं हुआ था। महाराज जी ने तब कह दिया, उसे मरने दो, उसका समय पूरा हो गया है। युवक यह सुनकर चला गया, पर दूसरे ही दिन पुनः आ गया महाराज जी के पास और बहुत ही करुणा स्वर में बोला, महाराज मेरे भाई ने कहा है कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दें आप दर्शन देकर। और फिर रोकर बोला, मैं एक मामूली मास्टर हूँ, उसका इलाज नहीं करा पाया। तब करना निदान बाबा जी बोल उठे, अच्छा हम आ जाएंगे, तुम जाओ। लगा कि महाराज जी ने ऐसा कहकर उसे बहला दिया है। उसके घर का पता तक नहीं पूछा, परंतु ये तो अंतर्यामी है, उन्हें किसके पते की जरूरत है। दूसरे ही दिन वे कुछ भक्तों के साथ लंबे लंबे डग भरते हुए काला ढूंगी रोड पर चल निकले। काफ़ी दूर उस कंकरीली पथरीली सड़क पर चलते चलते बाबा जी एक रुक गए और झाड़ियों के पीछे से एक मकान के पास उन्होंने देखा। और तभी वहाँ से निकल कर वही युवक दौड़ कर आया और महाराज जी को प्रणाम किया और उन्हें भाई के पास ले चला। बाबा जी को देखते ही वह बीमार युवक अत्यंत प्रसन्न हो गया और अश्रुपूर्ण होकर बोला, अब मैं शांति से मर लूँगा महाराज जी। तो महाराज जी ने कहा, हाँ अब तू शांति से मर जाना, और यह कहकर बाहर आ गए। लड़के को तीसरी स्टेज का टीबी था और उन दिनों न तो इतनी बड़ी हुई इस बीमारी है तो कोई पक्का इलाज था और न ही उस टाइम हल्द्वानी में यह सब संभव ही था। भवाली सेनेटरियम में ही ऐसे बीमार मरते रहते थे। बाहर आकर यह युवक भी महाराज जी को कुछ दूर तक पहुंचाने आया। रास्ते में 3-4 गधे चल रहे थे। महाराज जी ने कहा, इनके मालिक को बुलाओ। जब मालिक आ गया तो युवक से महाराज जी ने पूछा, तेरे पास 20 रुपये हैं? तो उसके पास कहाँ 20 रुपये होते, पर साथ महाराज जी के साथ जो भक्त थे उन्होंने 20 रुपये का जुगाड़ कर दिया। बाबा जी ने वे 20 रुपये गधे के मालिक को दे दिए और कहा, इन बाबूजी के घर रोज 7 दिन तक गधे का दूध पहुंचा देगा ना। तो उस समय 20 रुपये देकर गधे का मालिक भी बहुत मोहित होकर बोला, हाँ सरकार पहुंचा दूंगा, क्योंकि 60-62 की बात है, 20 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी।
फिर वे उस युवक से बाबा जी ने कहा, अपने भाई को मत बताना कि गधी का दूध है, कह देना कि दवा है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा, मरेगा नहीं और बड़ा आदमी बनेगा। और बाबा जी हम सबके साथ आगे को चल दिए। भक्तों ने बाद में महाराज जी की कथनी का पीछा किया और पता कर किया कि वो आदमी जिसको बाबा जी ने गधी का दूध दिया था वो जीवित है या नहीं। तो भक्तों ने देखा, वहाँ जाकर वह बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है और बिल्कुल भी उसे कोई भी बीमारी नहीं रही थी, उसकी टीबी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो बाबा जी की ये अनंत लीलाएं हैं, वे अगर किसी पे जब उनका ये वे कहते ही हैं, जब उनका हृदय डोल जाता है तो सारी प्रकृति उस कार्य को पूरा करने में लग जाती है। तो दोस्तों बाबा जी की महिमा परम्पार है, वे बड़े दयालु हैं। अगर हम अपने करुणा स्वर से बाबा जी को पुकारेंगे तो महाराज जी हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। तो आज इतना ही, आगे फिर आपको जरूर कोई बाबा जी की अन्य बहुत सी महिमा है उनकी सुनाऊंगा, और तब तक आज्ञा लेता हूँ। और अभी एक वीडियो श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय का 5वां भाग है, वो भी मैं आज करूँगा और सुबह को आपके पास वो भी सुनना। तो जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय जय श्री राम।